नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में अब 3 चरणों का चुनाव शेष है, ऐसे में सियासी दल लगातार पूरी ताकत झोंक कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बाकी के चरणों में छोटे दल अहम भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं, सत्ताधारी भाजपा हो या मुख्य विपक्षी दल सपा, सभी इस वक्त छोटे दलों पर दांव लगाते दिख रहे हैं। देखिए ये प्राइम टीवी की खास रिपोर्ट। 2022 का रण घमासान, सियासी दलों का बड़ा दांव, छोटे दलों पर बड़ी जिम्मेदारी, सियासी दलों की नैया लगाएंगे पार। पूर्वांचल की माटी से राजनीति में पहचान बनाने वाले अपना दल सोने लाल निषाद पार्टी, अपना दल कमेरावादी और सुभाषपा की जनता में पकड़ और दावों की असल परीक्षा 5वें, 6वें और 7वें चरण में होने जा रही है। इनके प्रदर्शन के आधार पर लाभ और हानि सीधे तौर पर भाजपा और सपा पर मिलेगी। जिसके सहयोगी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उस दल का पलड़ा पूर्वांचल और अवध के कुछ जिलों में भारी रहने की उम्मीद की जा रही है। ये छोटे दल 5वें, 6वें और 7वें चरण की 45 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर पूर्वांचल की राजनीति में अपने दखल का एहसास कराने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। सपा और भाजपा के सहयोगी इन 4 दलों के खाते में गठबंधन के तहत 57 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान 5वें, 6वें और 7वें चरण में होना है। ये सीटें बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, अयोध्या, देवीपाटन मंडल में है। इन सहयोगी छोटे दलों को पूर्व के चुनावों में जो सफलताएं मिली वो पूर्वांचल और अवध की इन्हीं क्षेत्रों में मिली है, लिहाजा इन दलों के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा भी इन चरण में ही निर्धारित होगी। भाजपा की दूसरी सहयोगी निषाद पार्टी ने 16 प्रत्याशी घोषित किए हैं। कालपी को छोड़ निषाद पार्टी की शेष 15 सीटें 5वें से लेकर 7वें चरण में है। निषाद पार्टी को गठबंधन के तहत पहले ही चुनाव में भाजपा ने पूर्वांचल में बड़ी भूमिका से नवाजा है। भाजपा के विश्वास पर खरे उतरने की बड़ी चुनौती निषाद पार्टी के सामने है। निषाद पार्टी के 6 प्रत्याशी भाजपा के सिंबल से चुनावी मैदान में हैं, वहीं 10 प्रत्याशी पार्टी के अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं। वहीं इस बार के चुनाव में सपा ने भी कई छोटे दलों को अपने साथ लिया है। पिछले चुनाव में भाजपा के साथ रहते हुए 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाली सुभाषपा इस चुनाव में सपा के साथ है। सुभाषपा ने अभी तक 18 सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा की है। बड़े दावों के साथ सपा से गठबंधन करने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक पकड़ की कड़ी परीक्षा इन्हीं 3 चरणों में होगी। सपा की दूसरी सहयोगी अपना दल कमेरावादी ने भी 6 सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा की है। बता दें कि अध्यक्ष कृष्णा पटेल 5वें चरण की सीट प्रतापगढ़ सदर से मैदान में है, शेष सभी सीटें 7वें चरण की हैं। इसके अलावा अपना दल का दूसरा हिस्सा भाजपा गठबंधन में शामिल अपना दल सोने लाल के लिए भी 3 चरणों में अग्नि परीक्षा होने वाली है। अपना दल सोने लाल ने 17 प्रत्याशी घोषित किए हैं। अपना दल सोने लाल के पास 5वें चरण में 7 सीटें हैं, 6वें और 7वें चरण में 4 सीटें हैं। ये दल 2014 से ही भाजपा के साथ है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस दल के 11 में से 9 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। वहीं अवध और पूर्वांचल में अपना दल सोने लाल को भाजपा और निषाद पार्टी के प्रत्याशियों के जीत की राह आसान करने की चुनौती है।
बहरहाल यूपी में तीन चरणों के चुनाव शेष है, सियासी दलों की तैयारियां भी पुख्ता है। ऐसे में छोटे दलों पर दी गई जिम्मेदारी वो किस कदर निभा पाते हैं, इसका खुलासा 10 मार्च को होगा। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। तो आने वाले तीन चुनावों में खास तौर पे छोटे चरणों का जो छोटे दल है उनका अग्नि परीक्षा मानी जा रही है, क्योंकि जो भाजपा है सपा है तो इन दोनों ने खास तौर से सीधे तौर पे गठबंधन किया और गठबंधन का जो महत्व है वो अब पता चलेगा और महत्व पता चलेगा छोटे दलों की अग्नि परीक्षा से। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।